हेलो एवरीवन वेलकम टू मेथ सीड टूडे आर टॉपिक इज ब्लड सप्लाई ऑफ बोन स्पेसिफिकली आज हम ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन पढ़ने वाले हैं एंड आज हम पढ़ने वाले हैं उसका एट्रियल सप्लाई एंड उसका वेनस ड्रेनेज मेन होता है उसका एट्रियल सप्लाई वैसे तो हमने हर बार पढ़ा है एट्रियल सप्लाई ऑफ वेरियस मसल जो की फोर आर्म में रहती है आर्म में रहती है या कोई लोअर लिम की मसल का ब्लड सप्लाई लेकिन आज इस वीडियो में हम लॉन्ग बोन के ब्लड सप्लाई पढ़ने वाले हैं, जो कि जनरल एनाटॉमी में आता है तो लॉन्ग बोन का ब्लड सप्लाई पढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूं हमारे बॉडी में कौन से लॉन्ग बोन्स होते हैं लॉन्ग बोन्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर सो फर्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लॉन्ग बोन अकॉर्डिंग टू शेप तीन टाइप्स के लॉन्ग बोन होते हैं फर्स्ट टिपिकल लॉन्ग बोन सेकेंड है मिनिएचर लॉन्ग बोन या उसे शॉर्ट लॉन्ग बोन भी कहते हैं एंड थर्ड है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन अब फर्स्ट जो होते हैं टिपिकल लॉन्ग बोन जो कि हम देखते हैं कि दो एंड्स और एक शाफ्ट रहेगा नॉर्मल जो रहता है फर्स्ट तो वो होते हैं ह्यूमेरस रेडियस अल्ना फीमर टीबिया एंड फिब्यूला ये छह टाइप ये छह एग्जाम्पल्स है टिपिकल uh, हमारे लॉन्ग बोन के सेकेंड होता है शॉर्ट लॉन्ग बोन तो शॉर्ट लॉन्ग बोन एज ए नेम सजेस्ट मिनिएचर लॉन्ग बोन इसके एग्जाम्पल्स है मेटाटार्सल मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस थर्ड था मॉडिफाइड लॉन्ग बोन नाउ नेम सजेस्ट मॉडिफाइड ऐसा क्यों बोला है क्योंकि सभी लॉन्ग बोन में मेडुलरी कैविटी होती है लेकिन जो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है उसमें मेडिकुलरी कैविटी नहीं रहेगी इसका एग्जाम्पल है क्लैविकल क्लेविकल इज अ मॉडिफाइड लॉन्ग बोन इसका मॉडिफाइड क्यों है नाम क्यों है बिकॉज ये ट्रांसमिट करता है वेट ऑफ अपेंडिक्युलर स्केलेटन टू एक्सियल स्केलेटन मतलब जो गर्डल और ये जो स्टर्नम को कनेक्ट करता है तो इसके थ्रू क्या करता है ट्रांसमिट करता है पूरे अपेंडिकुलर स्केलेटन गर्डल की वेट को एक्सियल uh, स्केलेटन की तरफ तो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर मतलब ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन सो लेट्स हैव अ लुक ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन अभी ब्लड सप्लाई चालू करने के पहले स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स आएंगी उसी के टर्म्स के ऊपर उन आर्टरीज का नाम है तो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे दो एंड्स रहेंगे एक टिपिकल लॉन्ग बोन में दो एंड्स रहते हैं जो उसके अपेक्ट्स में टिप्स में रहेंगे और सेंटर में रहता है मिडिल में होता है उन दो एंड्स के बीच में शाफ्ट इट इज अ अलोंगेटेड शाफ्ट विथ टू एक्सपांडेड एंड्स। सो जो एक्सपेंडेड एंड्स है उनका नाम दिया है एपीफाइसिस एंड जो मिडल में शाफ्ट है उसका नाम है डायफाइसिस डायफाइसिस के एंड पोर्शंस को मेटाफाइसिस बोलते हैं यहां पे एक टर्म है मेटाफाइसिस मेटाफाइसिस इज द एंड पोर्शन ऑफ डायफाइसिस विच इज प्रेजेंट नियर द एपी प्लेट विच इज प्रेजेंट नियर एपीफाइसिस को बोलते हैं एपीफाइजियल एंड ऑफ डायफाइसिस एंड पोर्शन ऑफ डायफाइसिस कॉल्ड एज मेटाफाइसिस ऑल्सो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की ये प्लेट दिखेंगी ये बनी होती है कार्टिलेज की एंड इसलिए इसका नाम है एपीफाइजियल प्लेट इट इज एपी प्लेट ऑफ कार्टिलेज और ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए ऑल्सो वाइज ग्रोथ ऑफ बोन की मतलब ये लॉन्जिट्यूडल ग्रोथ ऑफ बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी अब यहां पर डायफाइसिस में जो शाफ्ट है शाफ्ट को अगर हम इनवर्ड जाएंगे दोनों साइड से अगर अपन इनवर्ड आते हैं तो तीन स्ट्रक्चर मिलते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसे बोलते हैं पेरी ऑस्टियम एज द नेम सजेस्ट पेरी ऑस्टियम बोन की कवरिंग होती है पेरी ऑस्टियम उसके अंदर होते हैं कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स जो होता है इट इज फॉर्मड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है कॉर्टेक्स और इनर मोस्ट होती है मेड्यूलरी कैविटी मेड्यूलरी कैविटी में ही बोन मैरो प्रेजेंट रहता है ऑल्सो जो एपिफाइसिस था विच आर द एंड ऑफ दिस बोन तो वो आ, उनका एक और एक नाम बना होता है कैंसेल बोन से स्पॉन्ची बोन से तो ये था आ, मतलब ये बेसिक टर्म्स थे ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन स्टार्ट करने के पहले ये बेसिक टर्म्स हमें मालूम होने चाहिए एक बोन uh, के बारे में देर इज एपीफाइसिस मिडिल को डायफाइसिस एंड पोर्शन ऑफ डायफाइसिस मेटाफाइसिस ऑल्सो देयर इज एपीफाइजियल प्लेट पेरियस्टियम कॉर्टेक्स कैविटी ऑल्सो मेटाफाइसिस में भी एक्टिव ग्रोथ होती है तो लेट्स स्टार्ट विद्रियल सप्लाई ऑफ बोन तो मेनली फोर टाइप्स ऑफ आर्टरीज होती है जो लॉन्ग बोन को सप्लाई करती है नंबर वन न्यूट्रिएंट सेकेंड पेरियोस्टियल थर्ड एपीफाइजियल फोर्थ मेटाफाइजियल इनकी जो नेमिंग की गई है ये चारों आर्टरीज की वो की गई है ऑन द बेसिस ऑफ वो कहा प्रेजेंट होती है उनकी लोकेशन के बेसिस पे एंड वो कौन से पार्ट को सप्लाई करती है तो यहां पे तो ईजी है कि ये पेरी है तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगी पेरियस्टियम के पास एपीफाइजियल एपीफाइसिस में मेटाफाइजियल मेटाफाइसिस में अब ये एक नाम है न्यूट्रिएंट आर्टरी सबसे पहले तो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टरी न्यूट्रिएंट आर्टरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी का नाम ऐसा क्यों है बिकॉज बोन में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिय फोरामिना यह न्यूट्रिय फोरामिन जो सेंटर में प्रेजेंट होता है और फिर जो न्यूट्रियट आर्ट्री होती है वो वहां से बोन में मतलब न्यूट्रिय फोरामिन के थ्रू एंटर करती है बोन में तो न्यूट्रिएंट फोरामेन एंट्री होती है न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट फोरामेन इज द एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट आर्टरी इन द बोन ऑल्सो न्यूट्रिय आर्ट्री इसलिए नाम है बिकॉज ये बोन को न्यूट्रिय सप्लाई करती है दिस इज द मेन डायग्राम ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ बोन एंड यहाँ पे आप चारों आर्टरीज को एक्नोलेज कर सकते हैं जो ब्लू से मैंने लिखा है यह है न्यूट्रिय आर्ट्री यहाँ पे रहेगा न्यूट्रिय फोरामेन यहाँ के इससे एंटर होगी यह है पेरी ऑस्ट्रियल आर्ट्रीज छोटी छोटी और एपीफाइसिस में देख सकते हैं एपीफाइज आर्ट्री एंड्स को मैंने बताया था इस डायग्राम में कि एपीफाइसिस है तो एपीफाइजल आर्ट्री यहाँ पे मैंने स्टेट नहीं किया है बट ये जो मेटाफाइसिस में एंटर हो रही है इस साइड में दिस आर द मेटाफाइजल आर्ट्री तो ये चारों आर्ट्रीज है आप एक और डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक न्यू बॉर्न का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है तो मैं न्यूट्रिय फोरामिना का आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ न्यूट्रियन फोरामिना के या फिर न्यूट्रियन फोरामिन के डायरेक्शन के बारे में और उनका क्या रिलेशन रहता है ग्रोइंग एंडस ऑफ बोन से न्यूट्रिय एंड ग्रोइंग एंडस ऑफ बोन से तो आ, जो पहले देख लेते कि जो हमारा अपर लिम होता है अपर लिम में ग्रोइंग एंड्स कौन से होते हैं तो अपर लिम में ग्रोइंग एंड्स होते हैं शोल्डर और रिस्ट के पास मतलब जो प्रॉक्मल एंड रहेगा ह्यूमेरस का ज अ प्रोक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस एंड दिस इज द डिजिटल एंड ऑफ रेडियस अल्लाह होते हैं अपर लिम के ग्रोइंग एंडस तो न्यूट्री कॉन्सेप्ट यह है जो न्यूट्रियन फोरामेन होते हैं उनका डायरेक्शन रहता है अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंडस मतलब वो अवे फ्रॉम ग्रोइंग एंड जाते हैं नॉट टूवर्ड्स उसके पास नहीं जाते उससे अवे जाते हैं वैसे ही जो हमारा लोअर लिम होता है उसमें ग्रोइंग एंडस होते हैं नी ज्वाइंट नी ज्वाइंट के पास होते हैं इसीलिए जो डायरेक्शन होता है ये न्यूट्रिय फोरामेन का डायरेक्शन शो किया है वो होता है अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड तो एक सिंपल सा जिंगल बहुत अच्छा बुक में स्टेट है अपर लिम के लिए टू दी एल्बो आई गो एंड फॉर द लोअर लिम फ्रॉम द नी आई फ्ली ये किसके लिए होता है न्यूट्रिय फोरामेन के डायरेक्शन के लिए जैसे आप इस डायग्राम को और उस जिंगल को कनेक्ट करिए तो टू दी एल्बो I go and from the knee I flee. So let's start with the first artery, nutrient artery. ये most important artery है हम first point देखते हैं इसका location. तो ये entry करती है bone में through nutrient foramen और enter करती है cortex में और फिर वहां से medullary cavity में और दो branches में divide होती है एक होती है ascending branch और एक होती है descending branch. और आप इस डायग्राम में प्रॉपरली देख सकते हैं कि कैसे न्यूट्रियन आर्टरी ने एंटर किया है थ्रू न्यूट्रियन फोरा एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस अपर एसेंडिंग ब्रांच और नीचे जा रही है डिसेंडिंग ब्रांच और उन ब्रांचेस में छोटे छोटे ऐसे चैनल्स है आर्टरीज के जो वो पैरेलल होते हैं दूसरे आर्टरीज से ठीक है और ये एट दी एंड मतलब ये एडल्ट यहाँ पे मेटाफाइसिस में ये मेटाफाइसिस में जाती है और यहाँ पे ये एंड होती है एडल्ट मेटाफाइसिस में ये एंड होती है लिखा है बुक में कि ये एडल्ट मेटाफाइसिस में एंड होती है बट यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे एपीफाइजल प्लेट अभी भी प्रेजेंट है मतलब ये ग्रोइंग एंड है दिस इज नॉट द एडल्ट मेटाफाइसिस तो यहाँ पे ये हेयर पिन बैंड बनाएंगी आप इधर देख सकते हैं प्रोपरली डायग्राम में इट विल फॉर्म द हेयर पिन बैंड्स मेटाफाइसिस के पास और ये एनास्टमोस करती है विथ वेरियस अदर पेरिओस्टल आर्ट्री मेटाफाइज आर्ट्री एंड एपीफाइजल आर्ट्रीज और यहाँ पे हेयर पिन बैंड बनाती है इसे एंड आर्ट्रीज भी कहते हैं सप्लाई कौन से कौन से पार्ट्स ऑफ बोन को ये सप्लाई करेगी तो वेरी इजी ये अंदर से सप्लाई करना चालू करती है मेड्युलरी कैविटी को सप्लाई करती है इनर टू थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है और मेटाफाइसिस को सप्लाई करती है सारा अच्छा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मेड्युलरी कैविटी कॉर्टेक्स और मेटाफाइसिस क्या होता है तो इनर टू थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स मेड्यूलरी कैविटी एंड मेटाफाइसिस को सप्लाई करेगी अब मैं एक स्पेशल पॉइंट बताती हूँ इस न्यूट्रिय आर्ट्री के बारे में वो स्पेशल जो पॉइंट है वो है हेयर पिन बैंड के बारे में ही मैंने बताया था कि बिफोर एपीफाइज फ्यूजन मतलब एपीफाइसिस प्लेट है अभी यहाँ पे एपीफाइज फ्यूजन नहीं हुआ है तो यहाँ पे हेयर पिन बैंड स्ट्रक्चर रहेगा जब भी अगर बिफोर फ्यूजन इन्फेक्शन होता है ब्लड में गौर कीजिए अगर इन्फेक्शन होता है ब्लड में तो वहां पे फॉर्म होंगे स्मॉल एम्बोलाय एम्बोलाय मतलब मूविंग क्लॉट ऑफ द ब्लड जो मूव होएगा इधर उधर और या फिर बैक्टेरिया ट्रैप ट्रैप हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक हेयर पिन बैंड स्ट्रक्चर है तो ऐसे स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पे इम्बोलाय और जो बैक्टीरिया होते हैं वो इजिली ट्रैप हो सकते हैं और इजिली ट्रैप होने के कारण ये करते हैं ब्लॉक ऑफ दिस न्यूट्रिएंट आर्टरी मतलब इस न्यूट्रिएंट आर्टरी को वो बैक्टीरिया या फिर इम्बोलाय क्या कर देंगे ब्लॉक कर देंगे और यहाँ पे फॉर्म करेंगे इन्फाक्ट इन्फेक्शन कॉज करेंगे जिसके कारण चिल्ड्रन में एक कंडीशन का नाम है ऑस्ट्रियोमाइलिटिस ऑस्ट्रियोमाइलिटिस नाम की कंडीशन चिल्ड्रन में कॉमन सो इन चिल्ड्रन मेटाफाइसिस साइट ऑफ़ मेटाफा कॉमन साइट ऑफ ऑस्ट्रियोमाइलिटिस मैंने बता दिया उसका पूरा कैसे पूरा पैथ मतलब पूरा कैसे इसका पैथवे है इन्फेक्शन होता होगा इम्बोला या बैक्टीरिया वो ट्रैप होते हैं हेयर पिन बैंड में इंफेक्शन कॉज करते हैं और मेनली मेन साइट है मेटाफाइसिस फिर ये तो बात थी बिफोर एपीफाइज फ्यूजन की अब हम देखते हैं आफ्टर एपीफाइजल फ्यूजन एक एडल्ट बोन एक मेच्योर बोन में क्या होता है कि एपीफाइज फ्यूजन के बाद यहाँ पे से ये प्लेट नहीं रहती है तो यहाँ पे क्या होता है कि वेस्क्यूलर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाते हैं किसके बीच में एपीफाइजल आर्टरीज और मेटाफाइजल आर्टरीज के बीच में और यहां से यहां से क्या होता है जो एंड आर्टरीज थी जो हेयर पिन बैंड स्ट्रक्चर था वो डिजोल्व हो गया वो नहीं रहता है ड्यू टू विच अब यहां पे जो एक एडल्ट रहेगा उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस को सब्जेक्टेड नहीं रहता ये एरिया अब ऑस्टियोमाइलाइटिस नहीं होगा तो ऑस्टियोमाइलाइटिस इज अ कॉमन कंडीशन सीन इन चिल्ड्रन नॉट इन एडल्ट इस डायग्राम को देख के सिर्फ ये जो सेंटर वाला मेन डायग्राम है उसे देख के आप दो पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप दो पॉइंट्स इस डायग्राम से निकाल सकते हैं पहले तो कि ये जो बोन है ये एक मेच्योर है कि इमेच्योर बोन है मतलब ये एक ग्रोइंग बोन है कि इसकी ग्रोथ हो चुकी है मेरा मतलब ये था तो ये एक यंग लॉन्ग बोन है यंग बोन है बिकॉज यहां पे हमें एपीफाइजल प्लेट दिखती है तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो कभी भी आपको अगर एपीफाइजल प्लेट दिखती है कार्टिलेज की बनी हुई तो इसका मतलब इस बोन की ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई है सेकेंड पॉइंट है कि आप इसके दोनों एंड्स देखिए ये और ये तो इसके एक ही एंड में एपिफाइजल प्लेट है दूसरे एंड में एपिफाइजल प्लेट नहीं है मतलब इस एंड की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है ग्रोथ कंप्लीटेड, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुए दिस इज द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन बिकॉज वहां पे एपिफाइजल प्लेट है अब हम बात करते हैं पेरी ऑस्ट्रियल आर्ट्रीज की सेकेंड थी पेरी ऑस्ट्रियल आर्ट्री एज ए नेम सजेस्ट इसकी लोकेशन रहती है ये होती है बिनिथ दी पेरियऑस्टियम ये पेरीऑस्टियम के नीचे रेमिफाई करती है काफी सारे होते हैं पेरीऑस्टियम के नीचे बिनेत देरियस्टियम ऑल्सो ये बोन में एंटर करते हैं वॉकमिंस कैनाल के थ्रू नट इज वॉकमिंस कैनाल वॉकमिंस कैनाल ट्रांसवर्स कैनाल होते हैं जो कि दो हैवर्शियन कैनाल को कनेक्ट करते हैं अब हैवर्शियन कैनाल क्या है तो हैवर्शियन कैनाल बोन में लॉन्जिट्यूबनल कैनाल होते हैं जो ब्लड वेसल्स जिनसे रन करती है और वॉकमेंस कैनाल का काम होता है दो हैवर्शियन कैनाल को कनेक्ट करना तो जैसे अभी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये होती है पेरी ऑस्ट्रियल आर्टरीज तो पेरी ऑस्ट्रियल आर्टरीज ये जो पेरी ऑस्ट्रियम है उसके नीचे रहती है रेमिफाई करती है और पेरी ऑस्टियम के थ्रू ये मतलब जो मतलब ये जो आर्टरीज होती है ये एंटर करती है बोन में विद द हेल्प ऑफ वॉकमेंस कैनाल में होती है और वॉकमेंस कैनाल भी ट्रांसफर्स होते हैं जैसे ये ट्रांसफर्स प्रेजेंट है ऑल्सो ये सप्लाई करती है टू आउटर वन थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स तो जो पेरी ऑस्ट्रियल आटरी है उसका सप्लाई होता है टू आउटर वन थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स थर्ड है एपीफाइज आर्टरी तो इसकी लोकेशन है एपीफाइसिस जैसे की मतलब जो लॉन्ग बोन है उसके दोनों एंडस में प्रेजेंट रहेंगी अब इसका एक मेन पॉइंट है कि ये कहाँ से डिराइव होती है किसकी ब्रांच है कहां से डिराइव होती है तो जो बोन्स के नॉन आर्टिकुलर सरफेस होता है मतलब जहां पे बोन कोई दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्ट नहीं होता तो नॉन आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर होती है कुछ आर्किड्स होते हैं मतलब यही वेस्कुलर आर्किड्स होते हैं उनका नाम होता है सर्क्यूलस वेस्क्यूलोस तो सर्क्यूलस ये एक टर्म है जहां से ये एपिफाइजल आर्टरी डिराइव होती है अब ये एपिफाइजल आर्टरी जो है तो ये प्रेजेंट कहाँ थी एंड्स में तो जो हमारा ये लॉन्ग बोन का आप डायग्राम देख रहे थे तो इनके एंड्स में यू कैन सी जो दोनों एंड्स है तो वहां पे पोर्स होते हैं तो ये होते हैं वैस्कुलर फोरामिन तो वैस्कुलर फोरामिना के बारे में एक बात है कि जो आर्टरीज की एंट्री के लिए जो आर्टरीज को एडमिट करते हैं वो कम होते हैं वैस्कुलर फोरामिन और वेन्स की एग्जिट के लिए ज्यादा होते हैं

वेस्कुलरिटी दूसरे एंड से ज्यादा होंगी दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वैस्कुलरिटी फोर्थ है मेटाफाइजल आर्टरी ये बहुत ही सिंपल है इसकी लोकेशन कहाँ रहेंगी मेटाफाइसिस में रहेंगी और ये जब एपी epi, मतलब एपीफाइज प्लेट ऑफ कार्टिलेज अगर है मतलब अगर एपीफाइजल फ्यूजन नहीं हुआ है तो ये क्या बनाएंगी हेयर पिन हेयर पिन बैंड बनाएगी ऑल्सो ये डिराइव्ड होती है सिस्टेमिक वेसल्स जो आजू बाजू की सिस्टेमिक वेसल्स होती है यही वहीं से डिराइव होती है इसका मेन फंक्शन क्या है मेटाफाइजल आर्टरी का ये रेनफोर्स कर करती है मतलब स्ट्रॉन्ग करती है मेटाफाइजल ब्रांचेस ऑफ न्यूट्रिएंट आर्टरी को नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल कंडीशंस रिलेटेड टू द ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स फर्स्ट मैंने जो वीडियो में पहले ही कंडीशन बताई थी दैट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्ट्रोमाइलाइटिस जैसा इन्फेक्शन इट इज कॉमन इन चिल्ड्रेन एंड इसका साइट क्या था His, इसका साइट था मेटाफाइसिस में वो भी टिपिकल लॉन्ग बोन की अब जो सेकेंड कंडीशन है वो भी इन्फेक्शन है लेकिन वो इन्फेक्शन होगा मिनिएचर लॉन्ग बोन में जैसे कि मेटाटार्सल या मेटाकार्पल्स का इन्फेक्शन है ये होता है एडल्ट्स के लिए अब ऐसा सिनेरियो है यहाँ का सिनेरियो कैसे डिफरेंट है यहाँ पे मेटाफाइसिस में नहीं होगा इन्फेक्शन यहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन है मिडिल ऑफ शाफ्ट अब ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीज़न है जो न्यूट्रेंट आर्टरी होती है वो मिनिएचर बोन्स क्योंकि ये शॉर्ट होते हैं तो मे आर्टरी जैसे ही एंटर करती है शाफ्ट में मिडिल में तो ये प्लेक्सस में डि प्लेक्सस बना लेती है और वहीं पे प्लेक्सस बना लेती है और मेडुलरी कैविटी में ही इन्फेक्शन इसलिए स्टार्ट हो जाता है जो हेयर पिन बैंड जैसा स्ट्रक्चर था वो कहाँ बन गया है अब मिडल में ही बन गया है शार्फ्ट में मेडुलरी कैविटी में बन गया है रैदर देन मेटाफाइसिस क्योंकि ये शॉर्ट बोन्स है तो ये uh, मतलब सॉरी शॉर्ट लॉन्ग बोन्स है इसीलिए ये सेंटर में ही बन गया है तो यहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट होता है इन द मिडल ऑफ शार्फ्ट दैट इज़ मेडुलरी कैविटी नॉट मेटाफाइसिस सो लेकिन देयर इज़ अ कैच लेकिन तो भी एडल्ट्स में ये जो इन्फेक्शन है इट इज़ मिनिमाइज्ड ये इन्फेक्शन नहीं देखने मिलता ज़्यादातर बिकॉज न्यूट्रिएंट आर्टरी इन एडल्ट्स आर रिप्लेस्ड बाय पेरीऑस्टियल वेसल्स न्यूट्रिएंट आर्टरी रहेगी ही नहीं तो इन्फेक्शन कैसे होगा वो ओप्लेक्सिस भी नहीं रहेगा दैट इज़ रिप्लेस बाय पेरीऑस्ट्रियल वेसल्स प्लीज नोट दिस पॉइंट कि न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है इन एडल्ट्स आर रिप्लेसड बाय पेरीऑस्टियल वेसल्स नाउ वेनस ड्रेनेज वेनस ड्रेनेज काफ़ी शॉर्ट है बस एक ही वेन का नाम याद रखना है दैट इज बेसी बेजी वर्टिब्रल वेन बेसी वर्टिब्रल वेन्स रहती है ये मेनली लार्ज और न्यूमरस होती है एंड्स ऑफ बोन में जहाँ पे रेड मैरो रहेगा उसको कैंसेलस बोन भी कहते हैं ऑल्सो कॉम्पैक्ट बोन में जो वेंस होती है जैसे कॉर्टेक्स वगैरह वाला पार्ट है मेडुलरी कैविटी तो कॉम्पैक्ट बोन्स में जो वेन्स होती है वो एक्म्पनी करती है आर्टरीज को वॉकमेन्स कैनल में सो एवरीथिंग अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ बोन इट्स क्लिनिकल कंडीशन इट्स आर्टरीज एंड वेनज ड्रेनेज आर आर इन दिस वीडियो ऑल्सो गाइज join us on telegram to get various questions you can get pdf materials and where you can also get your doubts cleared i have shared the link in the description to check it out thank you